हे गाइस, वेलकम बैक टू किट्टो ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आप लोग यहां पे देख रहे हैं कि हम लोग मॉल में आए हैं और ये मॉल है डीएलएफ मॉल, जो कि साकेत का बहुत ही फेमस मॉल है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो यहां पे मैं, कृतिक और मेरे हस्बैंड जी, मतलब आप सबके भैया अमित जी निकल आ रखे हैं, क्योंकि हम लोग का हाइप के साथ एक मीटिंग है, जो कि हम लोग, आप लोग को पता है कि मीशो पे सेल चल रहा था उस पर हम आए थे फर्स्ट। बाकी पूरे वर्ल्ड में कोई और आया था मीशो, और जो भी लेकर के पूरे ग्लोबल में एक कोई और था, और लेकिन बाकी मीशो पे हम लोग आए थे फर्स्ट। सेकेंड थे सचिन भाई और थर्ड थे मम्पी राहुल। तो जो फर्स्ट आया था तो उनको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बुलाया गया था। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। तो बाकी उसके बाद आप लोग देखिए, उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे, हम लोग को रिसीव करने के लिए आ रखे थे आरओ जी। और इसके बाद ये हैं हाइप के मेन मालिक, मतलब कि मेन ऑनर है, जिसने हम लोगों को बुलाया था मिलने के लिए। तो यहाँ पे ये कैफ़े एरिया है, इतना अच्छा ऑफिस था, लग ही नहीं था कि ये ऑफिस है। क्या हुआ, कोई बात नहीं। तो अच्छा ठीक है, लग गया क्या। उसके बाद गाइस, जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हाइप के जो ऑफिस थे वो इतने बड़े थे कि मैं देख के हैरान हो गया। और ये उनके सारे टीम वाले हैं जो कि यहाँ पे हाइप के लिए काम करते हैं। बाकी ये बातें तो चलती रहती है। उसके बाद हम लोगों के लिए आ गया कॉफ़ी और चाय आ गया इनके लिए। बाकी उसके बाद क्या होता है कि हमारे कुछ इंटरव्यू लिए जाते हैं, कुछ बातें पूछ, लेकिन मुझे अंदर से इतना डर लग रहा था। मैं बार बार कह रही थी कि मैंने आज तक कभी अकेले ऐसे बैठ करके दिया नहीं है कि मैं दे सकूं। हमेशा मेरे पति का सपोर्ट रहा है, क्योंकि मैं उनके सपोर्ट के बिना तो बहुत ज़्यादा दूरी हूँ। पर मेरे को जो भी मन आया, तो मतलब दिल अंदर से भर ले ही, देखो आप हो चाहे हम हो, अगर आपको कहीं भी इंटरव्यू देने जाना होता है तो इतना ज़्यादा अंदर से डर लगता है ना कि क्या ही बताएं, मुंह से पता नहीं क्या निकलता चलता जाता है। तो यहाँ पे एक चीज हमारे पति देव से पूछा जाता है, तो आपको सुनो। पांच हैक्स बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते जो आज हमें अमित जयसवाल जी बताएंगे। पहला, जो भी आपको रील्स डालनी है अपनी रियल वॉइस में डालनी, जरूर वायरल होगी। दूसरा, आपको प्रोडक्ट ऑफ सिलेक्शन जो है आपको बढ़िया रखना है। तीसरा, आप देख रहे हो कि भाई आपके पास प्रोडक्ट नहीं, लेकिन आपके चारों तरफ ना प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है। घर से कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, किचन में चले जाओ, बेलन उठा लो, फोटो खींचो, मीशो पे मिल जाएगा। चौका उठा लो, मीशो पे मिल जाएगा। बेबी का साड़ी देखो, फोटो खींचो, मीशो पे मिल जाएगा। उसके बाद चौथा जो है ना, स्टोरी और रील्स दोनों लगाना, और स्टोरी पे ऑटो डीएम और पोस्ट पे ऑटो डीएम जरूर लगाना। तो ये सब 3-4 घंटे के बाद, मतलब बीच में इन लोगों ने इतना रिस्पेक्ट दिया। सब कुछ खाने पीने का नहीं होता है, एक बात करने का तरीका होता है, ये सब चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को इतनी अच्छी लगी इन लोगों का व्यवहार, इन लोगों की जो भी चीज़ें थी। और इनका ऑफिस तो बहुत ही अच्छा था, बहुत बड़ा था। तो ये मुझे सारा ऑफिस दिखा रहे थे। हाइप मैं तो सोचती थी ऐसे छोटा मोटा कोई ऐप है जो भी है, लेकिन भाई ये इतना अच्छा है कि घर बैठे इंसान कोई भी कमा सकता है। और ऐसा नहीं है कि जिसके कम फॉलोअर हो किसी के ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है भाई। तो अगर आप लोग को भी घर बैठे पैसे कमाने वगैरह हैं तो आप लोग भी कमा सकते हैं। बाकी हमारी सारी बातें वेते होने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। बहुत सारी बातें हुई, हम लोग यहाँ पे टाइम अपना कम से कम 4 से 5 घंटा स्पेंड किए थे और बहुत सारा नॉलेज मिला। सो गाइस, सुबह हो गया है और हम आ गए हैं अपने घर पे और चलते हैं किचन में, चाय वगैरह बना के चाय रख देते हैं। बहुत सारी एकदम चुटपुट रहा है, कल तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। तो हम किचन में जब भी आते हैं तो पहले हम इसको फर्श को सारा साफ कर देते हैं, क्योंकि आपको कुछ भी है कूड़ा फूड़ा जो भी होगा हमारी आदत है। और हमने एक तरफ चाय भी रख दिया है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा चाय वगैरह, आओ बेटा आओ, यहाँ पे टोसा मन के बाद चाय मैंने सबके लिए रख दिया है। हमको सब लगा के एक ही जगह पी लो। इधर इधर सब लोग आ जाओ, मैं अपने कृतिक को दूध दे देती हूँ। यहाँ पे हमने लौकी काट दिया है, सब लोगों ने नाश्ता पानी कर लिया है हमारा, दाल चावल रोटी बन गया।
अब मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी किसको किसको पसंद है ज़रूर बताना कमेंट करके। हमारे यहाँ पे सारे खाना इतना गल गया है। आप बहुत सारे लोग लौकी में क्या करते हैं कि टमाटर वगैरह नहीं डालते, लेकिन मुझे बिना टमाटर को लौकी अच्छा ही नहीं लगता। मैं किचन भी साफ करके साथ तो यहाँ मैं खाना पीना बनाने के बाद मंदिर में आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे सुबह हो गया था। मैं आज चार मतलब पाँच बजे भोर में सोई हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। आज पता नहीं क्या कौन सी बातें मेरे दिमाग में ऐसे चुभ रहा था, काटा की तरह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं बहुत कोशिश कर रही थी सोने की, तो इसलिए मेरा नींद बहुत लेट खुला। और जब मैं उठी तो फिर काम वाम, और उसके बाद किचन का मंदिर का किचन का मतलब सब कुछ मैंने किया। उसके बाद यहाँ पे मैं यही बोल रही थी कि यहाँ पे सब लोग खाना पीना खा लिए हैं और बस मैंने ही नहीं खाया है, तो भूख ही नहीं लग रहा है। बताया ना कि आपको, मतलब कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है, भूख ही नहीं लग रहा है। कल रात को भी गए थे बीने भाई के घर, तो कोमल ने पूछा कि खाना मतलब बना देते हैं खा लीजिए, लेकिन भूख ही नहीं था, खाऊं कहाँ से। फिर उसके बाद और पता है आपको, नींद भी नहीं आ रही थी, नींद भी नहीं। मैंने सुबह पाँच बजे भोर में सोया है यहाँ पे। फिर मैंने वंदना जी का तबीयत पूछा कि कैसा है कैसा नहीं है, तो उन्होंने बोला कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैं बोली मुझे नींद ही नहीं आ रहा है, आपको नींद आ रहा है, मुझे नींद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो तबीयत ना ख़राब होने के कारण तो हम लोग वहाँ पे पता है कि घर मतलब कि जब किसी का तबीयत ख़राब होता है ना, किसी का भी, तो इंसान थोड़ा सा हेर फेर करता है ना, तो इधर से उधर करता है, तो इंसान को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो इसलिए हम लोग बोले कि चलो वहीं पे कर, हो जाएगा अच्छे से। तो बाकी इनकी तबीयत भगवान करे जल्दी से ठीक हो जाए। और यहाँ पे कृतिक मस्ती कर रहा है, तो कृतिक के सोने का टाइम हो गया है। मैंने कृतिक को बोला चलो बेटा खाना पीना अभी खा लिए हो, आपको सुला करके फिर मैं भी खाना खा लूँगी। आप लोग बस गाइज, मैं यही कहूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे अपना प्यार दीजिए, और वायरल भी बहुत तेज़ फैल रहा है, तो आप लोग उससे ही बचिए। तो बनी रहिए ब्लॉग में। ठीक गाइस, मैं ब्लॉग को एंड कर रही थी तो, और मैंने कमेंट कुछ पढ़े हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों को ये बातें बुरी लग रही है कि तुम बहन और जेठानी का वीडियो बनाते रहना करते रहना। तो मैं कोई बनावटी तो नहीं बोल रही हूँ ना कि मैं बहन नहीं हूँ या फिर जेठानी हम वो नहीं है, हम देवरानी नहीं है। भाई एक घर में शादी हुई है तो बहन बहन तो है ही, और जेठानी देवरानी है। तो हमारा मन कभी करेगा तो हम बहन बहन का टाइटल डालेंगे, हमारा कभी मन करेगा तो हम जेठानी देवरानी का टाइटल डालेंगे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार। मैंने झूठ तो नहीं बोला ना कि हाँ चलो झूठ मैंने बोला हो कि अरे मैंने जेठानी मतलब देवरानी होने का फ़र्ज निभाया ऐसे करके। कल मैंने जो ब्लॉग डाला था ना, मैंने लिखा था ना देवरानी और जेठानी करके, मतलब कि ना तो लोगों को लग रहा है कि तुम्हारा क्या टाइटल है कि तुम कभी देवरानी, मतलब क्या हो गया। मैंने बोला कि मैं हूँ तो मैं बोलूंगी ना, इसमें दूसरी दिक्कत कहाँ आ रही है, मैं हूँ तो मैं बोलूंगी। और ये बोले कि क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी करती है, खाना बना के खिला नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती है। मतलब कि आप लोग ना मुझे इतना गलत बोल देते हो। और आप ये बताना कि हमने कभी छठ पूजा ऐसे हमने दूर से देखा है, कभी हमारे साइड में हमारे अगल बगल में छठ पूजा हुआ है, कभी नहीं हुआ है। तो किसी ने बोला कि आप कहीं अमेरिका से नहीं आए हो कि जो आपको छठ पूजा के बारे में बिल्कुल नहीं पता, नहीं पता। तो मैं आपको सच बता दूं तो मुझे शादी के पहले मुझे सच में बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि हमारे साइड बिल्कुल भी नहीं होता है। जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे ये रहते हैं, हमारे अगल बगल मतलब कि होता है तो बनारस मतलब बनारस में जाकर के होता है, मेरे अगल बगल एरिया में नहीं होता है। तो सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कैसे पूजा ये होता है, क्या तैयारी होता है। वो तो शादी के बाद मैंने बहुत सारी जैसे कि सोशल मीडिया पे मैंने देखा ऐसे ऐसे चीज़ें थी, तो जाकर के धीरे धीरे मुझे ये सब चीज़ें पता चली, लेकिन अभी भी मुझे पूरी तरह से नहीं पता है। और जो चीज़ नहीं पता है तो मैं उस चीज़ को मैं क्यों बोलूँ कि नहीं मुझे पता है, तो ये कोई अमेरिका और लंदन वाली बात कहाँ से आ गई। तो चलो आप लोगों की यही बोलने का था कि ये कोई अमेरिका से नहीं आई हो कि जो तुम्हें छठ पूजा के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम अमेरिका से ही आए हैं जो मुझे नहीं पता है। ठंडा हो जाने दो, गर्म है बेटा, दूध यार ये है ना, ठंडा जाने दो।
कृति गुनगुना है, गरम है यार, देखो छू 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 छू। और मैंने कल गाना भी गया था, बेसुरा जैसा गाना मत गाओ। और हाँ, मेरे को ये भी बोला कि आपकी स्किन जो है ना, बहुत स्किन मोटा हो गया है। हाँ, मैंने ना इधर बीच बहुत ज़्यादा सब कुछ खा, जब डॉक्टर ने बोल दिया था, तो जो चीज़ लगता है तो चीज़ को मानती हूँ कि हाँ मैं डॉक्टर ने बोला खाओ पियो खूब ऐश करो। अब मैंने खाया, थोड़ा सा मेरा वेट बढ़ गया है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ भाई। वेट ये शरीर का क्या करना है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी ये होगा कभी वो होगा, ये हमारे बस में नहीं है ना। तो मैं मोटी हो गई हूँ, भैंस हो गई हूँ, मेरे शरीर में झुर्रियाँ आ गई हैं, मैं बुढ़ी हो गई हूँ, कोई बात नहीं, अब हो गई हूँ तो हो गई, इसके लिए मैं क्या ही कर सकती हूँ। और कोई चिरंजीवी थोड़ी नहीं है। तो चलिए, हम इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं और ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।